नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि आखिर ये जो इंटरसेक्स यानी कि जो किन्नर बच्चे होते हैं वो क्यों और कैसे पैदा होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को 3D एनिमेशन की सहायता से समझेंगे। अगर हम एक सामान्य बच्चे के होने की प्रक्रिया की बात करें तो सेक्स के बाद पुरुष का जो स्पर्म होता है अंडे तक पहुँचने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। वही महिला की ओवरी यानी अंडाशय से एक अंडा निकलकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। अगर हम इस अंडे को अंदर से देखें तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। वही पुरुष का जो स्पर्म यानी शुक्राणु होता है वह दो प्रकार का होता है, एक वह शुक्राणु जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वह शुक्राणु जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। अगर अंडे के अंदर एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु चला जाता है यानी निषेचित करता है तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम से मिलकर लड़की बनती है, और अगर वाई क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो एक्स और वाई क्रोमोसोम से मिलकर लड़का बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन प्रक्रियाओं के बीच आखिर ऐसा क्या होता है कि लड़की या लड़का न होकर एक किन्नर का जन्म होता है। सेक्स के बाद शुक्राणु अंडे तक पहुँचते हैं और उसमें से एक शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु अंदर प्रवेश करने वाला होता है तभी वाई क्रोमोसोम वाले शुक्राणु का कुछ भाग एक्स क्रोमोसोम वाले शुक्राणु से चिपक कर अंदर चला जाता है। ऐसे कंडीशन में जो बच्चे होते हैं उनका जो सेक्स ऑर्गन होता है वह पूरी तरह से विकसित नहीं रहता, या फिर पुरुष में महिला वाले सेक्स ऑर्गन और महिला में पुरुष वाले सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि किन्नर कैसे पैदा होते हैं, चलिए अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जिसको लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। क्या इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर एक ही होते हैं या फिर अलग अलग? यह जो क्वेश्चन है लोगों को बहुत परेशान करता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम साइंस से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को 3D एनिमेशन की सहायता से बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर में क्या अंतर होता है। जैसा कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि जो ट्रांसजेंडर है उनमें जो उनका सेक्स ऑर्गन होता है या तो वह डेवलप नहीं हुआ रहता, या फिर लड़के में लड़की का सेक्स ऑर्गन और लड़की में लड़के का सेक्स ऑर्गन होता है। लेकिन ट्रांसजेंडर में ऐसा नहीं होता, इनमें फिजिकली सभी चीज़ें सही होती हैं, यानी ये एक सामान्य लड़का या लड़की ही होती है, लेकिन इनकी जो सोचने की क्षमता होती है वह अलग होती है। जैसे अगर कोई लड़का है लेकिन उसे लगता है कि उसके अंदर लड़की वाले गुण हैं तो उसे मेल ट्रांसजेंडर कहते हैं। अगर कई बार लड़की को भी फील होता है कि उसके अंदर लड़का वाला गुण है तो उसे फीमेल ट्रांसजेंडर बोलते हैं। कई बार ये लोग सर्जरी भी करवाते हैं। अगर कोई लड़का लड़का से प्यार करता है तो उसे गे, और लड़की लड़की से प्यार करती है तो उसे लेस्बियन बोलते हैं। अब कमाल की बात ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लड़की और लड़के दोनों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों को बाईसेक्सुअल बोलते हैं। और साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें सेक्स की इच्छा होती ही नहीं है या फिर बहुत ही कम होती है, ऐसे लोगों को एसेक्सुअल बोला जाता है। आपको बता दें कि एसेक्सुअल होना और ब्रह्मचर्य का पालन करना दोनों ही अलग चीज़ें हैं, क्योंकि एसेक्सुअल में यौन आकर्षण यानी सेक्स की इच्छा होती ही नहीं है, जिसका मेन रीजन होता है बॉडी का हार्मोन्स, जबकि ब्रह्मचर्य में लोग जानबूझकर या फिर योग के माध्यम से इन चीज़ों पर कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।